ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स। जब हम लैंड ओनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हमूमन आप लैंड ओनरशिप हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं अंडर बेसिकलीज आर पीपल हु ऑन लार्ज स्टेट्स ऑफ लैंड जब हम मिनिफ इंडियो की बात करते हो इट कि अब जब आपके पास लार्ज ओनरशिप ऑफ होगी तो इट रिजल्ट्स इन अंडर यूटिलाइजेशन एंड इन एफिशियंसी जो भी वो लैंड ओनर होगा ही इज नॉट यूजिंग दी लैंड एफिशियंटली इनफैक्ट ही प्रोडक्शनल आउटपुट फिर इसके साथ साथ जब आप लैंड ओनरशिप की बात करते हो इन मैनी कंट्रीज लैंड ओनरशिप इज हाईली कंसनट्रेटेड अगर मैं फिगर्स के रेफरेंस में बात करूं जो आपके पास एवरेज जितनी रेशियो है फॉर दंस्ट्रक्शन ऑफ होल्डिंग इन लेटिन अमेरिका इट इज अराउंड पॉइंट एट

रिलेटिवलीस कम्पेर टू अदर कॉन्टिनेंट्स और जब हम पाकिस्तान में बात करें तो नाइंटी टू परसेंट फॉर्म इन पाकिस्तान जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं इट हैजू एस्पेक्ट के इसमें एक में तो हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ लैंडलेस आर स्मॉल हाउस होल्ड और यहां बात करें हम यहां पर बात करेंगे विद रेफर इन टेनेंसी के इन फेवर ऑफर क्रॉपर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेनेंट फार्मिंग अब जब आप लैंड राइट देंगे आप शेयर क्रॉपर्स को इट रिजल्ट इन सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स। और बिकॉज ऑफ दैट लैंड जो आपके पास स्टडीज हैं, वो इंडिकेट करते हैं इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन पॉवर्टी एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंप्रूव दी ऑफ दूटिलाईजेशन ऑफ द लैंड और बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी

अब इंडिया के रेफरेंस में एक स्टडी थी जिसने इंडिकेट किया कि स्मॉल फार्मर्स आर मोर प्रोडक्टिव देन लार्ज फार्म्स और लैंड जब ये आप कह लें कि स्मॉल फार्म्स आर मोर प्रोडक्टिव देन द लार्ज फार्म्स इट इज बिकॉज फॉर द स्मॉल फार्म्स लैंड्स टेंड टू बी मोर फर्टाइल और उसके साथ साथ मोर फैमिली लेबर वर्क्स वर्क्स ऑन दैट स्मॉल फार्म्स स्माल मोर फैमिली फैमिली लेबर वर्क्स मोर इंटेंसिवली ऑन द स्मॉल फार्म्स एज कंपेयर टू लार्ज फार्म सो so, अगर वहां पे आप कह लें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की गई फ्रॉम लार्ज ओनर्स टू स्मॉल फार्मर्स इट रिजल्ट इन रेज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और ये इस चीज का तो आपको आइडिया है ही है कि एग्रीकल्चर जो है वो आपके पास एक मेजर कंट्रीब्यूटर टूवर्ड्स दी जीडीपी और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज अर्ज इन डेवलपिंग कंट्रीज जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं इट मस्ट बी विद सर्टन सर्टन अदर एग्रेरियन रिफॉर्म्स कि जब आप न्यू और स्मॉल को लैंड ओनरशिप दे दी तो मस्ट दे मस्ट बी गिवन एक्सेस टू द द्रेडिट क्या वहां पे कोई ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होनी चाहिए वहां पे आपके पास कह लें कि मनी लेंडर्स नहीं होने चाहिए कि जो लोकल लेवल पे हाई इंटरेस्ट रेट पे फार्मर को लोन दें फिर जब आपने उन्हें लैंड आपके लैंड राइट्स दे दी तो इट शुड बी वाटर अवेलेबिलिटी भी वहां पे इंश्योर होनी चाहिए जो आपके पास इनपुट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट वो भी आपके पास कह लें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए और जो उनकी अवेलेबिलिटी हो उसको भी हमें क्या कहना चाहिए दैट शुड बी एट दी लोअर प्राइस कि जो आपके पास फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है वो भी वहां पर इंश्योर करनी है टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर और फिर जब हम वहां पे एक्सटेंशन सर्विसेज देंगे बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ दैट एक्सटेंशन सर्विसेज इससे भी क्या होगा इट आल्सो हेल्प द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इम इंप्लीमेंट भी आप कह लें एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा अलॉन्ग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर मैं इन सबको एक दफा समराइज कर दूं कि लैंड रिफॉर्म्स हैज सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, अगर इनके साथ आप कुछ और चीजों की भी एक्सेसिबिलिटी टू द फार्मर्स आप इंश्योर करेंगे तो इनका जो इम्पैक्ट होगा दैट विल बी मोर सिग्निफिकेंट और वो जो आपके पास अवेलेबल एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ अदर थिंग्स है उसमें आप कह लें क्रेडिट भी आएगा वाटर भी आएगा प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट भी आएगा एक्सटेंशन सर्विसेस भी आएगी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंप्रूव फॉर्म इंप्लीमेंट्स बी आए गए